अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान अशरफ ने मजाक रात शो में उस्मान मुख्तार से की बदतमीज़ी। इमरान अशरफ ने उस्मान मुख्तार के साथ बदतमीज़ी करके ख़ुद को तनकीद का निशाना बनाया। इमरान अशरफ अपने करियर के उरूज पर हैं। शोबज़ में बहुत मेहनत के बाद इमरान अशरफ ने यह मकाम पाया है। इमरान अशरफ इस वक्त मजाक रात शो के मेज़बानी कर रहे हैं। बतौर मेज़बानी में उन्होंने कई मशहूर शख्सियात की मेज़बानी की है। मजाक रात शो एक मकबूल शो है। इमरान अशरफ ने अपने आप को यकीनी तौर पर एक करेक्टर एक्टर के तौर पर कायम किया है। उनके अपने तजुर्बे की फुर्सत में अदाकारी के बहुत से कामयाब प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन एक बिल्कुल मुख्तलिफ काम की मेज़बानी कर रहे हैं। हाल ही में उस्मान मुख्तार मजाक रात शो में बतौर मेहमान आए और इमरान अशरफ ने उनसे कई सवालात पूछे, जिनमें वो अपने स्क्रिप्ट का इंतखाब कैसे करते हैं से लेकर इंडस्ट्री में कुरबा परोरी तक। उस्मान मुख्तार तजुर्बेकार फिल्मी अदाकारा नासरा के बेटे हैं। हालांकि उन्होंने अपने तौर पर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और बहुत से लोग नहीं जानते कि वो एक स्टार हैं। इमरान ने उस्मान से पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अकरबा परोरी के बारे में सवाल किया तो उस्मान ने कहा कि उनके ख्याल में इंडस्ट्री में सिर्फ 10% अकरबा परोरी हैं। इस सवालों के जवाब के दौरान बहुत से लोगों ने इमरान अशरफ को तनकीद का निशाना बनाया। लोगों का कहना था कि इमरान अशरफ ने उस्मान मुख्तार के साथ बदतमीज़ी की हदें पार की। उस्मान मुख्तार इंडस्ट्री में कई अरसे से हैं और वो बहुत टैलेंटेड और नेक दिल के इंसान हैं। एक मदा ने यह भी कहा कि अगर शो कामयाब करना है तो इमरान को इस शो से निकाल दो। नाज़रीन, क्या इमरान अशरफ ने उस्मान मुख्तार के साथ गलत किया? कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।